24 जून 2020 सुबह 9 बजे का टाइम है। मैं LR बुडानिया चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है उसके जस्ट सामने पार्किंग का ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर 2-4 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे यहाँ पानी खड़ा है, और एक जगह नहीं 2-3 जगह भी, इधर भी आप देख सकते हैं ये। और ये इस तरह का पानी आपको शहर में कहीं भी खड़ा मिल सकता है, और इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं इस टाइम कितना मच्छर है। आप ये देखो, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ये सब मच्छर है। एक तरफ सरकार कहती है पानी कहीं इकट्ठा मत होने दो, कूलर में पानी नहीं होना चाहिए, और सरकार के जिसको बिल्कुल नाक के नीचे इसकी ड्यूटी है ये काम, मच्छर वगैरह ना फैलें, जिससे बीमारियां नहीं फैलें, लोगों के हेल्थ के ऊपर नुकसान ना हो, दिए के नीचे अंधेरा कह सकते हैं, कितना दुर्भाग्य है हमारा। और इसका एक ही कारण है, रोड का गलत ढंग से रिकारपेटिंग। ये मैंने कई बार मुद्दा उठाया है सेक्टर 35 में भी और कितनी जगह। इसका मतलब जो हमारे इंजीनियर हैं उनको रोड के लेवल का भी नहीं पता, ऐसे ही रोड रिकारपेट होती है और वो पास हो जाते हैं। ये आगे भी मैं दिखा सकता हूँ, मतलब इतना दुर्भाग्य है। अगर कॉरपोरेशन के सामने इसकी पार्किंग में अगर ये हाल है, आप ये देख सकते हैं, ये अभी कुछ जगह सूख गया है, कुछ है अपने आप ही सूखेगा। लास्ट ईयर भी यही था, उसकी फिर खबर आई तो उसको थोड़ा बहुत लिपापोती करके इसको सुखा दिया, लेकिन असली बीमारी क्या है उसका कोई समाधान नहीं है। और ये जो मच्छर हैं, ये डेंगू मलेरिया का सीजन है, ये लोगों की हेल्थ के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है, खतरा है। एक तरफ हम कोरोना से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बीमारियां होंगी तो लोगों का क्या होगा, सोचो। प्रशासन को जागना चाहिए और असली समस्या है उसके ऊपर काम करना चाहिए, नहीं कि इसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह डाल के इसको ख़त्म किया जाए। पूरे शहर में जहां भी गलत रोड रिकारपेटिंग होता है उसको रोका जाए, पानी का लेवल इस तरह हो कि कहीं भी पानी खड़ा ना हो पाए। धन्यवाद दोस्तों।